एक ओर जहां पूरा विश्व कोरोना वायरस से खौफजदा है, तो हिमाचल के शक्तिपीठ ज्वालामुखी में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। हालांकि जिला कांगड़ा के डीसी ने सभी मंदिर अधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर एहतियात बरतने के आदेश दिए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ज्वालामुखी मंदिर अधिकारी तक ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं पहुंची है। ताज़ा जानकारी के अनुसार मंदिर में बाहरी राज्यों से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं है। सभी श्रद्धालु एक साथ भोजन कर रहे हैं, यही नहीं लंगर परोसने वाले बिना मास्क पहने भोजन परोस रहे हैं। पुख्ता जानकारी के मुताबिक मंदिर प्रशासन ने कर्मचारियों के लिए मास्क, हैंड वॉश और सैनिटाइज़र तक नहीं खरीदे हैं। मंदिर प्रशासन ने कोरोना से बचाव के लिए कुछ किया तो वह सिर्फ पोस्टर। बुलंदशहर से आए श्रद्धालु द्रोणवीर सिंह ने बताया कि मंदिर परिसर में कहीं भी सैनिटाइज़र नहीं रखा गया है। वहीं पूर्व पार्षद सूक्ष्म सूद ने एसडीएम ज्वालामुखी से मांग की है कि रोज़ाना श्रद्धालु आ रहे हैं, उन्हें कोरोना से बचाव के लिए मंदिर परिसर और लंगर परिसर में हैंड वॉश व सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जाए। श्रद्धालु आते हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन द्वारा लंगर में तथा अन्य मंदिर के अंदर जो भी अन्य स्थान है, ना तो वहाँ पर हैंड वॉश है और ना ही हैंड वॉश का प्रबंध किया गया है और ना ही वहाँ पर सैनिटाइजर का कोई इंतजाम किया गया है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है, एसडीएम महोदय से खास करके प्रार्थना है कि वह इन चीज़ों का तुरंत से तुरंत इंतजाम करें और यात्रियों को सुविधा देने की कृपा करें। यहाँ पर मंदिर प्रशासन की तरफ से हाथ धोने के लिए कोई सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है, बस एक बैनर लगा हुआ है कि कोरोना वायरस से 1 मीटर की दूरी पर दूरी बनाए रखें। जिलाधीश कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने फोन पर बताया कि कोरोना वायरस से प्रभावित व्यक्ति स्वयं मास्क पहने, लोग भ्रमित ना हों, जागरूक रहें, कांगड़ा के शक्ति पीठों में सैनिटाइजर और हैंडवॉश की व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ज्वाला जी से कपिल। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल माहौल कुल्लू, जहां आपके बच्चों को मिलेगा सुनहरा भविष्य। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों की सीट बुक करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल माहौल कुल्लू।